प्राप्ति हो जाए और मन में अहंकार न हो। कोई ऐसा जन्म नहीं लिया पद की आपको प्राप्ति हो जाए, संसार में यश कीर्ति बढ़ने लगे और आपको अहंकार ना, ये संभव ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये नियम है। बचेगा कौन महाराज? फिर कहा वही बचेगा जो दिन रात सिर्फ यही कहेगा कि मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। सब कहते हैं आप बड़ा अच्छा कथा गाती हैं, बड़ा अच्छा भजन गाती हैं, हम नहीं गाते हैं, भगवान बैठ के गवाते हैं। और जिस दिन उनकी इच्छा बंद हो गई कि ना इसे नहीं गवाना है, सब खत्म कर देंगे भगवान। हमारी इतनी स्थिति, हमारी इतनी क्षमता कहाँ, हमारे पास इतना ज्ञान कहाँ जो हम कथा गा पाए महाराज। और आपको सही बताएं तो हम देख देख के कथा गाते हैं, सामने डायरी रखे रहते हैं, उसी में से देख देख के आपको सुनाते हैं। हमको कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन हमारे रघुनाथ जी की कृपा कि हमारे रघुनाथ जी, हमारी माता रानी ऐसी कृपा बरसाती हैं कि हमारे टूटे फूटे शब्द आपको प्यारे लगने लगते हैं, ये भगवान की कृपा है। हमारी हमारी कुछ क्षमता नहीं है, और बस इसी भाव में व्यक्ति को जीवन भर रहना चाहिए। क्या है संसार में, जो कुछ दिया है सब भगवान का दिया है, और जो कुछ भी देंगे भगवान सब उनका ही है। भगवान को जब इच्छा होगी ले लेंगे, तो मेरा कहाँ है।